गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। जेल से सुकेश का आरोप, केजरीवाल है महाठग, कहा राज्यसभा सीट के बदले मुझसे 50 करोड़ रुपए लिए। जी हां दोस्तों, मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली की मंडोली जेल में बंद ठग सुकेश चंद्रशेखर ने मीडिया के नाम एक चिट्ठी लिखी। इसमें उसने अरविंद केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। 3 पन्नों की चिट्ठी में सुकेश ने लिखा है कि मैं अगर ठग हूं तो केजरीवाल महाठग है। उन्होंने राज्यसभा सीट के बदले मुझसे 50 करोड़ रुपए मांगे थे जो मैंने दिए। सुकेश ने लेटर में लिखा कि 2016 में एक डिनर पार्टी में अरविंद केजरीवाल भी आए थे। उनके निर्देश पर मैंने कैलाश गहलोत को असोला के एक फार्म हाउस पर जाकर 50 करोड़ रुपए दिए थे। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, कैलाश फिलहाल केजरीवाल सरकार में परिवहन मंत्री हैं। सुकेश ने कहा कि जो भी जानकारी दी गई है वह सच है और इसकी जांच कराई जा सकती है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। दिल्ली में हर 5 में से 4 परिवार प्रदूषण से बीमार, सर्वे के नतीजों ने लोगों को चौंकाया। जी हां दोस्तों, दिल्ली एनसीआर इस समय भारी प्रदूषण की चपेट में है। लोगों का सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। ऐसे में राजधानी में प्रदूषण को लेकर किए गए सर्वे से जो नतीजे सामने आए हैं वो आपको हैरान कर देंगे। दरअसल दोस्तों, सर्वेक्षण के अनुसार दिल्ली एनसीआर में हर 5 परिवारों में से 4 ने पिछले कुछ हफ्तों में प्रदूषण से संबंधित बीमारियों को अनुभव किया। लोकल सर्किल द्वारा किए गए एक सर्वे में यह दावा किया गया है। इस सर्वे में शामिल कुल 19,000 लोगों में से 18% पहले ही अपनी समस्याओं को लेकर डॉक्टर के पास जा चुके हैं। सर्वेक्षण में यह भी पाया गया कि 80% परिवारों में से कम एक सदस्य है जो वायु प्रदूषण के कारण सांस की समस्या का सामना कर रहा है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, लोकल सर्किल एक समुदाय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो शासन, सार्वजनिक और उपभोक्ता हितों के मुद्दों पर सर्वे करता है। इस सर्वे में दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद के निवासियों को शामिल किया गया था और उनसे प्रतिक्रिया मांगी गई थी। सर्वे में करीब 63% पुरुषों ने हिस्सा लिया था। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। बीजेपी का ऑफर था कि गुजरात छोड़ दो, हम सत्येंद्र जैन को छोड़ देंगे, अरविंद केजरीवाल का दावा। जी हां दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इंडिया टुडे आज तक के टाउन हॉल में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने गुजरात चुनाव समेत कई मुद्दों पर अपनी राय रखी। केजरीवाल ने सत्येंद्र जैन के मामले पर कहा कि हमारे पास बीजेपी का ऑफर आया था, इसमें कहा गया था कि गुजरात चुनाव छोड़ दो, हम सत्येंद्र जैन को छोड़ देंगे। इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने महाठग सुकेश चंद्रशेखर द्वारा सत्येंद्र जैन पर लगाए गए आरोपों को लेकर कहा कि बहुत पहले मनोहर कहानी आती थी, ऐसे ही यह सब बीजेपी की मनोहर कहानी है। ये सब मोरबी में हुए हादसे से ध्यान भटकाने के लिए किया जा रहा है, लेकिन ये बीजेपी की मनोहर कहानियां कोई नहीं खरीदेगा। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सत्येंद्र जैन को और 3 महीने जेल में रख लो, हमें तोड़ नहीं पाओगे, हम जनता की बात रखेंगे। सत्येंद्र जैन की याचिका के पूरे प्रोसीजर को समझना चाहिए कि 15 सितंबर के आसपास बेल मिलती है, फिर जज बदलो, सबूत नहीं दे पाए तो जज बदलो। उसके बाद 1.5 महीने से जज बदलने की कार्यवाही चल रही है, अब 10 दिन पहले जमानत कार्यवाही शुरू हो पाई है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। अमृतसर में हिंदू नेता के समर्थकों का गुस्सा, रेलवे ट्रैक पर प्रदर्शन, परिवार का अल्टीमेटम, अमृतपाल को गिरफ्तार करो तभी अंतिम संस्कार करेंगे। जी हां दोस्तों, पंजाब के अमृतसर में कत्ल किए हिंदू नेता सुधीर सूरी के शव का पोस्टमार्टम हो गया। सूरी को कुल 4 गोलियां लगी जिनमें 3 गोलियां उनके शरीर में लगी थी, चौथी खंधे के आर पार हो गई। परिवार अब अंतिम संस्कार न करने पर अड़ गया। उनकी मांग है कि सूरी को शहीद का दर्जा दिया जाए, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। इसके साथ ही दीप सिद्धू के बनाए संगठन वारिश पंजाब देके मुखी अमृतपाल सिंह का नाम केस में शामिल करने की मांग की है। इसके साथ ही गिरफ्तारी भी की जाए। मांगों को मानने के लिए अमृतसर डीसी को परिवार और हिंदू संगठनों ने 6 बजे तक का अल्टीमेटम दिया है। वहीं सूरी के समर्थकों का भी गुस्सा फूट पड़ा। समर्थक रेलवे ट्रैक पर पहुंचे और जमकर प्रदर्शन किया। इसको देखते हुए मौके पर पुलिस तैनात की गई। स्थिति फिलहाल तनावपूर्ण बनी हुई है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। पीएम मोदी के दौरे से पहले पन्नू की धमकी, डेरा मुखी को प्रधानमंत्री से न मिलने की नसीहत, बोला अनहोनी हुई तो खुद होंगे जिम्मेदार। जी हां दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमृतसर आज पहुंच रहे हैं। वह ब्यास स्थित राधा स्वामी डेरे में पहुंचेंगे, यहां डेरा मुखी से मुलाकात करके वापस लौट जाएंगे। लेकिन उनके आने से पहले सिख फॉर जस्टिस SFJ का प्रमुख व आतंकी गुरु परमवंत सिंह पन्नू ने उन्हें धमकी दे डाली। इतना ही नहीं, डेरा मुखी को भी उनसे न मिलने की हिदायत दी गई है।
पन्नू ने एक वीडियो जारी कर कहा जिसमें उसने अमृतसर में शुक्रवार को सुधीर सूरी के कत्ल का भी जिक्र किया। पन्नू ने डेरा राधा स्वामी को प्रधानमंत्री मोदी से न मिलने की बात कही। पन्नू का कहना है कि मोदी किसानों के कातिल हैं, अगर डेरा मुखी उनके साथ मुलाकात करते हैं तो इस दौरान कोई अनहोनी हो जाती है तो इसका जिम्मेदार डेरा ही होगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अमेरिका के इस बयान पर ईरानी राष्ट्रपति हुए आग बबूला, कहा हम तुम्हारी दुधारू गाय नहीं बनने वाले। जी हां दोस्तों, ईरान में करीब 2 महीने से हिजाब को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शन को दूसरे देश भी सपोर्ट करने लगे हैं। तमाम विरोध और दूसरे देशों के समर्थन के बाद भी ईरान सरकार झुकने को तैयार नहीं है। इस बीच गुरुवार को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ईरान को लेकर कुछ ऐसा कह दिया जिससे वहां के राष्ट्रपति आग बबूला हो गए। उन्होंने अमेरिका को कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि हम अमेरिका के लिए दुधारू गाय बनने वाले नहीं है। दरअसल दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन हाल ही में डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता माइक लेविन की चुनावी रैली में पहुंचे थे। यहां बाइडेन समर्थक अपने फोन पर फ्री ईरान का डिस्प्ले फोटो लगाकर प्रोटेस्ट कर रहे थे। यह देख बाइडेन ने कहा कि वे लोग ईरान के प्रदर्शनकारी बहुत जल्द ही खुद को आजाद करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि चिंता मत कीजिए, हम ईरान को जल्द ही आजाद करने जा रहे हैं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, महसा अमीनी की मौत के बाद शुरू हुआ हिजाब विरोधी आंदोलन तब से लेकर अब तक लगातार चल रहा है और दुनिया भर में उसे समर्थन भी मिल रहा है। आंदोलन को जिस तरह से ईरानी सरकार कुचल रही है उससे कई देशों में काफी नाराजगी भी है। यही वजह है कि अमेरिका ने ईरान पर इसे लेकर कई तरह के प्रतिबंध भी लगाए हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ट्विटर पूरी दुनिया में फैलाता है झूठ, एलन मस्क के फैसले की अमेरिकी राष्ट्रपति ने की आलोचना। जी हां दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दुनिया के सबसे अमीर शख्स के फैसले की आलोचना की है। उन्होंने ट्विटर खरीदने पर कहा कि दुनिया के सबसे अमीर शख्स ने एक ऐसे प्लेटफॉर्म को खरीद लिया है जो दुनिया को झूठ बेचता है और इसे फैलाता भी है। एलन मस्क 27 अक्टूबर 2022 को $44 मिलियन में ट्विटर को खरीद लिए थे। जो बाइडेन ने सोशल मीडिया के माध्यम से झूठ फैलाने को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका में अब कोई एडिटर नहीं है और हम उम्मीद करते हैं कि बच्चे ये समझने में सक्षम होंगे कि दाव पर क्या चीज है। वहीं व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव काइन जी पियरे ने एक पत्रकार सम्मेलन में कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गलत सूचनाओं के प्रभाव को कम करने की आवश्यकताओं पर बल दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि फेसबुक, ट्विटर, अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से यूजर्स गलत सूचना के शिकार हो सकते हैं, इसलिए बाइडेन ने स्पष्ट तौर पर गलत सूचनाओं के प्रसार पर रोक लगाने की कही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गुजरात चुनाव से पहले मोदी सरकार का बड़ा दावा, पाकिस्तान से आए हिंदुओं को लेकर लिया बड़ा फैसला। जी हां दोस्तों, गुजरात के चुनाव की घोषणा से कुछ दिन पहले ही गृह मंत्रालय ने गुजरात के 2 जिलों आनंद, महसाणा के जिला कलेक्टर को यह अधिकार दिया है कि वो अपने लेवल पर जांच करके पाकिस्तान से विस्थापित होकर भारत आए हिंदू परिवारों को नागरिकता दे दे। इसे गुजरात चुनाव से पहले हिंदुत्व की राजनीति में बड़े दाव के तौर पर देखा जा रहा है। महसाणा जिले के ग्रामीण इलाके में एक कॉलोनी बनाई गई जिसे नाम दिया गया सहकार कॉलोनी। इस कॉलोनी में करीब 27 ऐसे परिवारों को बसाया गया है जो पाकिस्तान से विस्थापित होकर भारत आए हैं। इनमें से कुछ लोग 2017 में आए हैं और कुछ 2019 में। शुरुआत में इन्हें 45 दिन का वीजा मिलता है, इसके बाद 2 साल का लॉन्ग टर्म वीजा दिया जाता है और फिर ये नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ इन्हें एक लोकल शख्स की भी जरूरत पड़ती है जो इन लोगों के लिए गारंटर का काम करता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मुफ्त में बिजली चाहिए तो जल्द से निपटा लें यह काम, सरकार देगी बिल का पैसा। जी हां दोस्तों, घर में अगर मुफ्त की बिजली मिले तो काफी लोगों को राहत मिल सकती है। देश में हर दिन बिजली की काफी खपत होती है और बिजली के बिना आज के समय में जीवन यापन करना भी काफी मुश्किल हो जाता है। ऐसे में अगर सरकार की ओर से फ्री बिजली मुहैया करवाई जाए तो लोगों का बजट भी काफी सुधर सकता है। वहीं अब दिल्ली सरकार ने बिजली सब्सिडी पाने के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 15 नवंबर तक बढ़ा दी है। दिल्ली सरकार काफी समय से लोगों को फ्री बिजली मुहैया करवा रही है। अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में मुफ्त बिजली योजना के लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि अब 15 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। 15 नवंबर तक पंजीकरण कराने वाले दिल्ली वासियों को मुफ्त बिजली योजना का लाभ मिलता रहेगा। उन्होंने बताया कि दिल्ली में लगभग 35 लाख परिवारों ने सब्सिडी वाली बिजली योजनाओं के लिए पंजीकरण कराया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर,
मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे की रिमांड मंजूर, अब 7 दिन ईडी की कस्टडी में रहेंगे अब्बास अंसारी। जी हां दोस्तों, गैंगस्टर और माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग केस में शनिवार को कोर्ट ने सुनवाई की। जिला जज संतोष राय ने ईडी की मांग पर अब्बास अंसारी की कस्टडी रिमांड मंजूर कर ली है। अब्बास अंसारी यूपी के मऊ से विधायक हैं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, कोर्ट में ईडी ने 14 दिन की कस्टडी रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने सिर्फ 7 दिन की रिमांड मंजूर की है। इससे पहले शुक्रवार शाम को ईडी ने पूछताछ के बाद अब्बास अंसारी को गिरफ्तार किया था। ईडी ने प्रयागराज ऑफिस में अब्बास अंसारी से 9 घंटे पूछताछ की। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, मुख्तार अंसारी के खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने उन्हें बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया था। अब्बास अंसारी से दूसरे राउंड की पूछताछ शुरू की गई थी, इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 7 नवंबर से महंगी होने वाली है टाटा की गाड़ियां। कंपनी ने कीमतों में 0.90% की बढ़ोतरी करने का किया फैसला। इस साल चौथी बार बढ़ाए गए दाम। जी हां दोस्तों, टाटा मोटर्स की कारें खरीदना अब और महंगा होने वाला है। कंपनी ने बताया कि टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स की कीमतों में लगभग 1% की बढ़ोतरी करने की कोशिश करने जा रही है। ये बढ़ी हुई कीमतें 7 नवंबर से लागू हो जाएंगी। टाटा के पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में सफारी, हैरियर, अल्ट्रोज, नेक्सॉन, टियागो और टिगोर जैसी गाड़ियां शामिल हैं। दोस्तों ये इस साल में चौथी बार है जब टाटा इस मोटर्स ने गाड़ियों के दाम बढ़ाए हैं। टाटा मोटर्स के मुताबिक इसकी पैसेंजर व्हीकल की कीमतों में औसतन 0.90% की बढ़ोतरी की जाएगी। हालांकि कीमतें कितनी बढ़ेंगी यह वेरिएंट और मॉडल के हिसाब से है, यानी कि सभी गाड़ियों की कीमतों में अलग अलग बढ़ोतरी होगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, लोगों को रास आ रहे महंगे फोन। स्मार्टफोन की बिक्री में प्रीमियम सेगमेंट की हिस्सेदारी रिकॉर्ड 12%, आईफोन टॉप पर, सैमसंग दूसरे स्थान पर खिसका। जी हां दोस्तों, देश में प्रीमियम स्मार्टफोन की बिक्री तेजी से बढ़ी है। जुलाई सितंबर तिमाही में 30,000 रुपए से ज्यादा दाम वाले प्रीमियम फोन की हिस्सेदारी रिकॉर्ड 12% हो गई है। शुक्रवार को आई काउंटर पॉइंट रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक एप्पल का आईफोन 13 इस सेगमेंट में रिकॉर्ड बिक्री के साथ शीर्ष पर रहा। सैमसंग दूसरे और वन प्लस तीसरे स्थान पर रहा। काउंटर पॉइंट रिसर्च के सीनियर रिसर्च एनालिस्ट प्राचीर सिंह बताते हैं कि स्मार्टफोन मार्केट में कंज्यूमर डिमांड अगस्त से बढ़नी शुरू हुई थी। सितंबर के आखिर हफ्ते में मीडियम और प्रीमियम सेगमेंट में त्योहारी बिक्री निकलने से यह पीक पर पहुंच गई। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, साइरस मिस्त्री केस में अनाहिता के खिलाफ FIR दर्ज। लेन चेंज करते समय कार से खो दिया था बैलेंस। जी हाँ दोस्तों, टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री के एक्सीडेंट मामले में महाराष्ट्र की पालघर पुलिस ने अनाहिता पांडले के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। 4 सितंबर को जब मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर यह हादसा हुआ, उस समय अनाहिता पांडले ही कार चला रही थी। उस समय मर्सिडीज कार में साइरस मिस्त्री, अनाहिता पांडले के पति डेरिस पांडले और डेरिस के भाई जांगिर पांडले भी बैठे थे। दुर्घटना में जांगिर पांडले और साइरस मिस्त्री की मौत हो गई थी, जबकि अनाहिता और उनके पति को गंभीर चोटें आई थी। यह हादसा इतना ज्यादा भयावह था कि गाड़ी के परखच्चे तक उड़ गए। पुलिस का कहना है कि मामले में डॉक्टर अनाहिता पांडे ने पति का बयान दर्ज कर लिया है। उन्होंने बताया कि अचानक लेन बदलने के कारण यह हादसा हुआ, जिसमें अनाहिता कार को कंट्रोल नहीं कर पाई। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ICC का झुकाव इंडिया की तरफ वाले बयान पर अफरीदी को मिला जवाब। BCCI अध्यक्ष ने कही यह बात। जी हां दोस्तों, BCCI अध्यक्ष रोजर बिन्नी ने पूर्व पाक क्रिकेटर शाहिद अफरीदी के उस बयान को पूरी तरह गलत बताया, जिसमें उन्होंने ICC का झुकाव भारत की ओर होने की बात कही। रोजर बिन्नी ने कहा कि यह गलत है। ICC इवेंट में सभी टीमों के साथ बराबरी वाला बर्ताव किया जाता है। T20 वर्ल्ड कप 2022 में बुधवार रात को खेले गए भारत बांग्लादेश मैच के दौरान कुछ विवाद सामने आए थे। विराट कोहली के कहने पर एम्पायर का वाइड देना, फेक थ्रो पर एक्शन नहीं लेना और मैदान गीला होने के बावजूद मैच को जल्द शुरू करने जैसे फैसलों पर सवाल उठे थे। पूर्व पाक क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने इन घटनाओं के आधार पर कहा कि ICC का झुकाव भारत की ओर है और वह किसी भी तरह भारतीय टीम को सेमीफाइनल में पहुंचाना चाहती है। शाहिद अफरीदी ने कहा था कि आपने ग्राउंड देखा, वह गीला था, पर मुझे लगता है कि ICC का झुकाव जो है वो इंडिया को किसी भी तरह सेमीफाइनल तक पहुंचाने पर है, और एम्पायर भी वहीं थे जो पाकिस्तान के साथ मैच में थे। पूरी दुनिया के बेहतरीन एम्पायर का अवार्ड भी उन्हीं को दिया जाना चाहिए। मैं जानता हूं कि क्या कुछ हुआ, बहुत ज़्यादा बारिश हुई और बारिश रुकने के ठीक बाद मैच शुरू हो गया था। यह बताता है कि ICC चाहता था कि भारत खेले, यहां बहुत सारे फैक्टर्स शामिल थे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दिल्ली के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया का दावा, मेरे PA को ED ने किया गिरफ्तार। BJP बोली, कानून कर रहा अपना काम। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया ने दावा किया है कि परिवर्तन निदेशालय ने उनके PA को गिरफ्तार कर लिया है।
किया है। यह एक ट्वीट में मनीष सिसोदिया ने कहा कि उन्होंने झूठी FIR कर मेरे घर रेड करवाई, बैंक लॉकर तलाश किए, मेरे गांव में जांच कर ली, लेकिन मेरे खिलाफ कुछ नहीं मिला। आज उन्होंने मेरे पीए के घर पर ईडी की रेड करी, वहां भी कुछ नहीं मिला, तो अब उसको गिरफ्तार करके ले गए। भाजपा वालों, चुनाव में हार का इतना डर। वहीं इस दावे पर बीजेपी ने कहा कि कानून अपना काम कर रहा है। साथ ही कांग्रेस की प्रवक्ता अलका लांबा ने भी मनीष सिसोदिया पर हमला बोलते हुए कहा कि जांच एजेंसी अपना काम कर रही है। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति में कथित घोटाले को लेकर परिवर्तन निदेशालय की ओर से लगातार छापेमारी की कार्यवाही की जा रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल। सेमीफाइनल के स्पॉट तय, जाने भारत ने किया क्वालिफाई तो किससे होगी भिड़त। जी हां दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप में ग्रुप एक के आखिरी मुकाबले में इंग्लैंड ने श्रीलंका को 4 विकेट से हरा दिया। शनिवार को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में खेले गए मुकाबले में श्रीलंका ने इंग्लैंड को 142 रन का टारगेट दिया था, जिसे उसने 20 ओवर में हासिल कर लिया। इस जीत के साथ इंग्लैंड ने सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। वहीं मेजबान ऑस्ट्रेलिया का पत्ता साफ हो गया है। ग्रुप ए से न्यूजीलैंड पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुका था, क्योंकि इंग्लैंड ने इस जीत के साथ ग्रुप ए में दूसरा स्थान पर बरकरार रहते हुए सेमीफाइनल में जगह बनाई है। ऐसे में अब सेमीफाइनल में उसका सामना ग्रुप दो में पहले स्थान पर रहने वाली टीम से होगा। इस बात के पूरे आसार हैं कि भारत ही ग्रुप दो में टॉप पर रहेगा। ग्रुप एक में भारत का आखिरी मुकाबला जिम्बाब्वे से है। यदि भारत जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच को जीत लेता है तो वह अपने ग्रुप में टॉप पर रहेगा, और तब सेमीफाइनल में इंग्लैंड और भारत के बीच 10 नवंबर को एडिलेड ओवल में टक्कर होगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री ने पार्टी से दिया इस्तीफा। जी हां दोस्तों, गुजरात में चुनाव से ठीक पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। यहां के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और बीजेपी के अनुभवी नेता जय नारायण व्यास ने आखिरकार बीजेपी छोड़ दी। जय नारायण व्यास ने बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। व्यास सिद्धिपुर सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, 182 सीटों वाली विधानसभा का चुनाव दो चरणों में होगा। पहले चरण के तहत 1 दिसंबर और दूसरे चरण के तहत 5 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। हाल ही में उनकी राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात हुई थी, जो कांग्रेस की ओर से गुजरात के विशेष चुनाव अधिकारी हैं। तभी से इस तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि वो बीजेपी छोड़ कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। देखना यह होगा कि लंबे वक्त से बीजेपी में किनारे रखे गए जय नारायण व्यास कांग्रेस या आम आदमी पार्टी में से किसका हाथ थामते हैं। दोस्तों गुजरात में वर्तमान में कुल 4.90 करोड़ मतदाता है, जिनमें से 2.53 करोड़ पुरुष, 2.37 करोड़ महिला और 1417 थर्ड जेंडर मतदाता हैं। 3.24 लाख नए वोटर भी हैं। मतदान के लिए कुल 51,782 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 182 मॉडल पोलिंग स्टेशन होंगे। 50% मतदान केंद्रों का लाइव प्रसारण भी किया जाएगा। 33 पोलिंग बूथों पर युवा पोलिंग टीम होगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 8 नवंबर को चंद्र ग्रहण, कहीं पूर्ण तो कहीं दिखेगा आंशिक। शाम 4:23 पर सबसे पहले ईटानगर में दिखेगा, 6:19 पर खत्म हो जाएगा ग्रहण। जी हां दोस्तों, 8 नवंबर को साल का आखिरी चंद्र ग्रहण होगा। भारत की पूर्व दिशा के शहरों में पूर्ण चंद्र ग्रहण और बाकी शहरों में आंशिक चंद्र ग्रहण दिखेगा। सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में शाम 4:23 से पूर्ण चंद्र ग्रहण दिखेगा। चंद्रोदय के साथ ही ग्रहण भी दिखने लगेगा, इस कारण देश में सूतक रहेगा। चंद्र ग्रहण का सूतक 9 घंटे पहले शुरू हो जाता है। उज्जैन की जीवाजी वेदशाला के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र गुप्ता के मुताबिक चंद्र ग्रहण की शुरुआत भारत में दोपहर 2:38 पर हो जाएगी। देश के पूर्वी भाग कोलकाता, कोहिमा, पटना, पुरी, रांची, ईटानगर के आसपास के शहरों में पूर्ण चंद्र ग्रहण और शेष भारत में आंशिक चंद्र ग्रहण दिखेगा। जहां पूर्ण चंद्र ग्रहण रहेगा वहां चंद्रमा लाल दिखाई देगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कांग्रेस को मिलेगी 5 से भी कम सीटें। गुजरात चुनाव से पहले केजरीवाल का दावा, बोले उन्हें कौन सीरियस लेता है। जी हाँ दोस्तों, गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए सीएम चेहरा घोषित करने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि गुजरात में कांग्रेस को 5 से भी कम सीटें मिलेगी। केजरीवाल इंडिया टुडे मीडिया कॉन्क्लेव में बोल रहे थे। केजरीवाल ने अगले महीने होने वाले चुनाव से पहले प्रतिद्वंद्वी की संभावनाओं को कम बताते हुए सवालिया लहजे में कहा कि कांग्रेस को कौन गंभीरता से लेता है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि गुजरात के लोगों को बदलाव की जरूरत है। अगर लोग बदलाव नहीं चाहते तो हमें यहाँ अच्छा रेस्पॉन्स नहीं मिलता। हमें 30% वोट शेयर मिल रहा है।
हमने पंजाब में सरकार बनाई, गुजरात में भी कुछ अलग है। उन्होंने कहा कि गुजरात में आप दूसरे नंबर पर हैं और कांग्रेस को यहां 5 से भी कम सीटें मिलेगी। एनडीटीवी के एक कार्यक्रम में उन्होंने भाजपा की संख्या का अनुमान लगाने से इनकार कर दिया था। इससे पहले एबीपी न्यूज सी वोटर के एक चुनाव पूर्व सर्वेक्षण ने सत्तारूढ़ भाजपा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य में एक बार फिर जीत की भविष्यवाणी की। सर्वे के मुताबिक लगभग 23,000 लोगों से पूछे गए सवालों में से आधे से अधिक ने कहा कि उन्हें भाजपा को वोट देने की योजना बनाई है। 20% ने आम आदमी पार्टी को और 17% ने कांग्रेस को समर्थन देने का निश्चय किया है। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अमेरिका के पहले ऐसे राष्ट्रपति का नाम बताइए जो कि गोरे नहीं थे, यानी कि दोस्तों अमेरिका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति का नाम क्या है। अगर आप जानते हैं तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लक्की विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।